गाइस, दिस इज ज्योति विश्वकर्मा हियर, योर होस्ट एंड दोस्त, एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल बिग हेडलाइंस। दोस्तों, बिग बॉस 13 के विनर रहे सिद्धार्थ शुक्ला को दर्शक कितना ज्यादा ही पसंद करते हैं, वेल इसमें मुझे आपको बताने वाली कोई बात नहीं है, दर्शक उसे उन्हें बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। वही दोस्तों, आपको बता दूं कि हालांकि बिग बॉस का सीजन 13 खत्म हो चुका है, लेकिन इसका जो क्रेज है वो अभी भी फैंस के ऊपर, जो ऑडियंस है उसके ऊपर वैसे का वैसे ही है। आज भी फैंस जो है वो सिद्धार्थ शुक्ला को बहुत ज्यादा ही फॉलो करते हैं, हर तरह से फॉलो करते हैं। वही सिद्धार्थ शुक्ला भी अपने फैंस के लिए आए दिन कुछ न कुछ खबर लेकर आते ही रहते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि बिग बॉस 13 के घर में हमने सिद्धार्थ शुक्ला को पंजाब की कैटरीना कैफ, पंजाब की जो सिंगर है शहनाज गिल के साथ, उनको खूब मस्ती धमाल करते देखा है। उन दोनों की बॉन्डिंग को हमने देखा है कि बिग बॉस 13 की जर्नी में उन दोनों की बॉन्डिंग कितनी ज्यादा ही स्पेशल थी, कितनी अच्छी थी। उनका प्यार से लेकर तकरार तक, नोकझोंक, हर अंदाज को दर्शकों ने बेहद ज्यादा ही पसंद किया है। वेल, इस जोड़ी को दर्शकों ने इतना ज्यादा ही पसंद किया था कि दर्शक ने इसे इनफैक्ट सिद्धार्थ की जोड़ी का नाम दे देता, और ये सिद्धार्थ की जोड़ी को दर्शक तब से लेकर अब तक बहुत ज्यादा ही पसंद कर रहे हैं। और ये सिद्धार्थ एक वक्त ऐसा था कि इनफैक्ट अभी भी कभी कभी ऐसा होता है कि सिद्धार्थ जो जोड़ी है, ये जो टैग है, वो आए दिन सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता रहता है। और इन दोनों जोड़ी को जब ये दोनों जोड़ी एक साथ जब स्क्रीन पर आते हैं तो फैंस लिटरली खुशी से पागल हो जाते हैं। दर्शक बस यही चाहते हैं कि सिद्धार्थ की जो जोड़ी है वो हमेशा सही सलामत रहे और ये जोड़ी कभी भी अलग ना रहे। वही दोस्तों, आपको बता दूं कि इस वक्त लॉकडाउन की वजह से सिद्धार्थ शुक्ला आए दिन एक इंटरव्यूज दे रहे हैं, प्रिंट इंटरव्यूज दे रहे हैं और टेलीफोनिक इंटरव्यूज दे रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, आपको बता दूं कि सिद्धार्थ शुक्ला ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया जहां पर उन्होंने शहनाज गिल को लेकर, पंजाब की जो कैटरीना कैफ की जो बहुत ही खास दोस्त है शहनाज गिल को लेकर, बिग बॉस की जर्नी को लेकर बहुत सी बातें शेयर की। उन्होंने शहनाज गिल के साथ अपने बहुत ही स्पेशल बॉन्ड को, बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस को शेयर किया कि किस तरह से उनका शहनाज गिल के साथ बॉन्ड रहा है, किस तरह से उनका एक्सपीरियंस रहा है। साथ ही बिग बॉस 13 की घर जर्नी में जो भी उन्होंने अप्स एंड डाउन देखे वो उनके लिए कितना मायने रखता है और क्या कुछ बिग बॉस 13 की जर्नी से उनका एक्सपीरियंस रहा है, ये सब सिद्धार्थ शुक्ला ने शेयर किया है। हालांकि इस इंटरव्यू में सिद्धार्थ शुक्ला ने शहनाज गिल को लेकर भी बहुत बड़ी बात कही है। जैसे कि शहनाज गिल ने, हमने देखा है कि शहनाज गिल ने सिद्धार्थ शुक्ला को कई दफा कह चुका है अपने दिल की बात। उन्होंने ये भी कहा है कि वो सिद्धार्थ शुक्ला से कितना प्यार करती है। इसके बाद अब जब सिद्धार्थ शुक्ला की बारी आई, सिद्धार्थ शुक्ला ने कहा कि शहनाज गिल उनकी जिंदगी का बहुत ही खास हिस्सा है और उस खास हिस्से को बहुत ज्यादा पसंद करे, बिकॉज शहनाज गिल सिद्धार्थ शुक्ला के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा सिद्धार्थ शुक्ला ने कह दिया है। विल बी ज्वाइन कर, आई एम वेरी श्योर कि शहनाज गिल के फैंस बहुत ज्यादा खुश हो गए होंगे। इनफैक्ट शहनाज गिल भी बात जानकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे कि सिद्धार्थ शुक्ला के लाइफ में शहनाज गिल बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और वो बहुत ही खास जगह उन्होंने बना के रखी है सिद्धार्थ शुक्ला की जिंदगी। इसके बाद जब सिद्धार्थ शुक्ला से ये पूछा गया कि क्या जो बिग बॉस 13 की जर्नी सिद्धार्थ शुक्ला ने जीती है, बिग बॉस सीजन 13 की विनर सिद्धार्थ शुक्ला है, क्या उसका थोड़ा सा क्रेडिट क्या वो शहनाज गिल को देना पसंद करेंगे, वेल ऐसे में सिद्धार्थ शुक्ला ने कहा है कि बिग बॉस 13 की जो विनिंग का जो क्रेडिट है वो कम्प्लीटली शहनाज गिल को ही देना चाहेंगे, बिकॉज शहनाज गिल थी तो उनके लिए बहुत ही मेन सपोर्ट रहा है शहनाज गिल ने। उन्होंने बहुत ज्यादा, शहनाज गिल ने सिद्धार्थ शुक्ला को इमोशनली और मेंटली बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। इनफैक्ट सिद्धार्थ शुक्ला ने यह भी कहा है कि अगर शहनाज गिल बिग बॉस 13 के घर में नहीं होती तो उन्हें नहीं पता कि उनका क्या होता और वो किस तरह से इस जर्नी को कम्प्लीट कर पाते। साथ ही दोस्तों, सिद्धार्थ शुक्ला ने यह भी कह दिया है कि जितना मेरी माँ और मेरी बहन और मेरी भांजी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, उतनी ही इम्पोर्टेंट शहनाज गिल मेरे लिए, उतनी ही खास है, उतनी ही स्पेशल शहनाज गिल मेरे लिए है। साथ ही दोस्तों, इस इंटरव्यू में सिद्धार्थ शुक्ला से ये भी पूछा गया कि कई दफा शहनाज गिल ने अपने प्यार का इजहार सरेआम सिद्धार्थ शुक्ला की तरफ किया है और उन्होंने कह दिया है कि वो सिद्धार्थ शुक्ला से बेइंतहा प्यार करते हैं, ये बात हर कोई जानता भी है। इस पर सिद्धार्थ शुक्ला का क्या रिएक्शन, बिकॉज अभी तक उन्होंने अपनी तरफ से कोई भी सफाई नहीं दी है कि वो शहनाज गिल के लिए क्या कुछ फील करते हैं। ऐसे में सिद्धार्थ शुक्ला ने कहा कि शहनाज गिल बेशक मेरे लिए बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है और मैं उन्हें कभी खोना नहीं चाहता हूँ, लेकिन वो एक फैमिली मेंबर की तरह उनके लिए, क्योंकि जितना ही उनकी माँ, उनकी फैमिली, उनकी भांजी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही शहनाज गिल उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शहनाज गिल उनके लिए एक फैमिली मेंबर की तरह है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि अफेयर्स और शादी की जो खबरें हैं इस पर अभी कुछ तय करना या फिर इस पर कोई रिएक्शन लेना बहुत ही जल्दबाजी वाली बात होगी। तो वही दोस्तों, आपको बता दो कि हाल ही में सिद्धार्थ शुक्ला को और शहनाज गिल को जैसे कि दर्शक बेहद ज्यादा पसंद करते हैं, तो हाल ही में जोड़ी सिद्धार्थ की जो जोड़ी है भुला दूंगा सॉन्ग में एक साथ नजर आई थी, जहां पर इनकी केमिस्ट्री ने धमाल मचवा दिया था सोशल मीडिया पर। इस केमिस्ट्री ने लिटरली बहुत ज्यादा धमाल मचा था और इस जोड़ी को दर्शकों ने बेहद ज्यादा ही पसंद किया है। वेल, अभी तो साफ हो गया कि सिद्धार्थ शुक्ला के लिए भी शहनाज गिल बहुत ज्यादा ही स्पेशल है, जितना शहनाज गिल के लिए सिद्धार्थ शुक्ला स्पेशल है। लेकिन अभी तक सिद्धार्थ शुक्ला कोई भी कमिटमेंट करने से थोड़ा सा कतरा रहे हैं, लेकिन वो जैसे कि उन्होंने कहा है कि शहनाज गिल उनके लिए एक फैमिली मेंबर की तरह ही स्पेशल है।
वी लेते रहे सिद्धार्थ शुक्ला की बात। आपकी क्या राय है इसको लेकर, आपको क्या लगता है कि सिद्धार्थ शुक्ला के लिए शहनाज गिल कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सिद्धार्थ की जोड़ी आपकी कितनी फेवरेट है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।